मेरे नू और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी धूप निकली है फ्रेंड, और सुबह के 10 बज रहे हैं और लगता है आज तो मौसम खुला रहेगा फ्रेंड। और कल तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी यहाँ पे, और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ देखिए, हमारे डॉग फ्लावर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, येलो कलर में बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे पास 3 कलर हैं, एक ऑरेंज है, एक येलो है और एक रेड है। तो अभी येलो वाले में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड, बर्ड वगैरह तो उसमें भी आ गई हैं, बर्ड्स काफ़ी हैं मगर अभी ये ब्लूम नहीं दे रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स देखिए, टूरेनिया अभी ठीक ठाक ही चल रहा है हमारा, जेरेनियम देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, जेरेनियम का जो कलर है और इसकी ग्रोथ है कितनी अच्छी हो गई फ्रेंड। अब ये और अच्छी हो जाएगी क्योंकि जिस तरह से ये विंटर पड़ेंगे फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से हमारे जो विंटर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। देखिए ऑरेंज कलर का बिल्कुल यूनिक सा कलर है, लेटेस्ट कलर, कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए अच्छे से बर्ड्स हैं, ग्रोथ अच्छी है, बहुत प्यारे हैं। बस मैंने मस्टर्ड केक भी बोया हुआ है क्योंकि अब धूप निकली है, और अब मैं इनको आज नहीं कल मैं अप्लाई करूंगी क्योंकि अभी मेरे प्लांट्स में नमी है। क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि हमारे यहाँ 12 दिसंबर को बहुत तेज़ बारिश हुई, अभी अभी देखिए हमारे पॉट में मिट्टी भीगी हुई है, तो मिट्टी जब सूखेगी तभी मैं वाटरिंग करूंगी। मैं आज भर वेट कर रही हूँ, मैं कल से इनमें वाटरिंग करूंगी। फ्रेंड्स आप इसकी मिट्टी देखिए, देखिए अभी भी नम है, तो अंदर से मिट्टी बहुत ज़्यादा नम होगी, ऊपर से जो मिट्टी सूख जाए तभी आप उसमें वाटरिंग करिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गेंदा है जिसकी मिट्टी ये सूख गई, अभी ये वाटरिंग के लिए तैयार है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें आज भर और रुकूंगी या शाम तक, या मैं कल वाटरिंग करूंगी। और फ्रेंड डायथर्स की ग्रोथ भी कितनी प्यारी हो गई है ना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं आज के टॉपिक पे। अब आज का हमारा टॉपिक है ग्लैडिया। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे ये है ग्लैडिया, कितनी अच्छी ग्रोथ है फ्रेंड इसकी, और कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिल रहे हैं, और फ्लावर के डार्क कलर हो गए फ्रेंड्स। ये आपको पता है मैं इसको अप्रैल में ले आई थी, और अप्रैल से मुझे इस तरह ही से ये फ्लावरिंग दे रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने पहली बार इसको लगाया। अगर मुझे पता होता तो मैं इसके कई कलर ले आती, इसके कई कलर आते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसने मैंने कई जगह इसकी कटिंग भी लगाई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और वो शायद सक्सेस भी होगी। मैंने हर जगह थोड़ थोड़ के इसकी कटिंग लगा दी फ्रेंड्स, और वो अच्छे से लग भी गई है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि मैं इसको वही मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देती हूँ, और मैं इसको कुछ भी नहीं देती, इसकी कोई केयर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसको बस ये धूप में रखा है विंटर की, और जब ये समर की धूप झेल लेता है तो विंटर की धूप भी अच्छे से ये झेल लेता है इसको। तो विंटर की धूप तो सभी प्लांट्स को पसंद होती है फ्रेंड्स। इसमें वाटरिंग कम करिए, जब प्लांट में आपके पानी सूख जाए तो आप इसको वाटरिंग करिए फ्रेंड, और इसको हल्की धूप में रखिए, वेल्ड्रेन मिट्टी बनाइए, तब इस तरह से ये फ्लावरिंग करेंगे। कल तो इस पर और भी फूल खिले थे फ्रेंड्स, आज इसके ये देखिए कितने अच्छे से बर्ड्स आई हुई हैं चारों तरफ, कितनी बर्ड्स हैं, कम से कम 50 बर्ड्स पड़ी हुई हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इसकी एक पार्ट रिवर सेंड, एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट काउडंग, और घर का बना हुआ कंपोस्ट, नीम की खली लेके एक बार अच्छे से मिट्टी बना लीजिए। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी देने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। जब मैं तो जो फर्टिलाइज़र अपने सब पेड़ों को देती हूँ, मैं इसको देती हूँ, और ये बहुत अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। बस करना क्या है, इसकी कटिंग इजली लग जाती है, और इसके जो बीज होते हैं सूख जाते हैं, जैसे ये सूख रहा है तो इसको सुखा के भी आप स्प्रिंकल कर दीजिए तो आपके प्लांट्स निकल आएंगे, या फिर आप कटिंग लगा लीजिए। और इसके जो सूखे फूल हैं, अगर आपको फूल चाहिए, फ्लावर चाहिए, तो इनको तोड़ते रहिए। तो फ्रेंड बस यही करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी किसी न्यू वीडियो पे, न्यू टॉपिक पे। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।